अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं चैनल नुमान गुजर। दोस्तों आज की ये वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक भाई थे जिन्होंने मुझे बोला था कि भाई मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे ये हो कि मैं अपने प्ले स्टोर से जो भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करूँ, ठीक है, उसको जो है वो मैं अपने एक्सटर्नल स्टोरेज यानी मेमोरी कार्ड में कैसे सेव कर सकता हूँ। तो दोस्तों वो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ। आप लोगों ने एक सेटिंग करनी है। सेटिंग से ये होगा कि आपका मोबाइल में जितनी भी आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे वो आपके मोबाइल का जो एक्सटर्नल स्टोरेज है उसके बजाय जो है वो इंटरनल स्टोरेज के बजाय जो है वो एक्सटर्नल में आना शुरू हो जाएगी। अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने सेटिंग में जाना है। तो मैं यहाँ पे अपने मोबाइल की सेटिंग में चला जाता हूँ। तो जैसे आप लोग सेटिंग में जाएंगे आप लोगों ने नीचे आना है। उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है अबाउट फोन। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने अबाउट फोन में जाना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड नंबर। आप लोगों ने यहाँ पे बिल्ड नंबर पे क्लिक करना है 7 बार। मैं यहाँ पे 7 बार टैप करता हूँ। उसके बाद आप लोगों ने बैक आ जाना है। और उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग बैक आएंगे आप लोगों ने यहाँ पे एडिशनल सेटिंग में जाना है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डेवलपर ऑप्शन, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों आप डेवलपर ऑप्शन में आ जाएंगे। अब दोस्तों आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप लोगों ने एक सेटिंग को ऑन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स अलाउ एप्स ऑन एक्सटर्नल, आप लोगों ने इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आप अपने प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, जैसे पबजी कर लें या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई गेम कर लें या फिर कोई भी एप्लीकेशन कर लें, ठीक है, वो सारी जो है वो आपके मोबाइल के मेमोरी कार्ड में जाना शुरू हो जाएगी। इससे ये होगा दोस्तों कि आपके मोबाइल की जो मेमोरी है, जो मेमोरी कार्ड है उसमें जाएगी, आपके मोबाइल की मेमोरी फुल नहीं होगी, जो एक्सटर्नल कार्ड होगा गेम सारी उसमें डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको दोस्तों पहले से पता था तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो उन भाई के लिए बनाई है जो इन्होंने मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने इनके लिए ये वीडियो बना दी है। अगर आप भी इस तरह से रिक्वेस्टेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपका कमेंट ऐड करूंगा और आपकी जो रिक्वेस्ट होगी उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। कोई ना कोई एक कमेंट मैं पिक करूंगा और हो सकता है वो आपका ही कमेंट हो और मैं पिक करने के बाद उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपका कमेंट जो है वो अगली वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।